फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज देखिए, कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, तो मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन मुझे लगता है मैं भीग जाऊँगी। तो अभी देखिए क्या हुआ है, मतलब कि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है, रात भर बारिश हुई है। उस कंडीशन पे हमारे जो मैरी गोल्ड के फ्लावर हैं, जितने भी विंटर के फ्लावर हैं, लगभग सारे ही अब ख़राब हो जाएंगे। और क्रिसेंथियम के लिए तो बहुत ही बड़ा सा मतलब वो सदमा है एक तरह से, क्योंकि एक बार इनमें पानी पड़ गया तो इनके फूल पूरे ब्लैक हो जाते हैं। अभी देखिए, पूरा पानी मैंने सुबह झाड़ दिया है एक बार, और इस प्लांट को अभी मैं नीचे उठा करके ले जाऊंगी क्योंकि शायद ये ठीक हो जाए। इसके तो देखिए ब्लैक भी होने लगे हैं फूल, तो एक ही बारिश में ये सारे प्लांट हमारे ख़त्म हो जाते हैं जो क्रिसेंथियम के होते हैं। बाकी में तो ये है कि बर्ड्स आते रहेंगे, खिलते रहेंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैरी गोल्ड के फ्लावर भी हम कट करके हटा देंगे तो दूसरे फ्लावर उसमें आ जाएंगे। तो क्रिसेंथियम को आप थोड़ा सा सेव करके रखिए, क्योंकि एक बार अगर इसमें पानी पड़ गया तो आपको फिर उसको ख़राब होने से नहीं बचा सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो इसीलिए तो इस तरह से देखिए विंटर का गार्डन हमारा सारा अस्त व्यस्त हो गया। पूरे पिटूनिया के फ्लावर पूरे देखिए सूख गए, उसी में मतलब एकदम चिपक गए हैं सारे। तो पिटूनिया वगैरह तो सब कल मैं कट करके हटा दूँगी, सारे फ्लावर इनके कट कर दूँगी। पर बाकी के जो प्लांट हैं क्रिसेंथियम खास करके, उनको मैं दो प्लांट ही मेरे खिले थे, बाकी मैंने इसीलिए इसी दुख से मैंने क्रिसेंथियम इस बार ज़्यादा नहीं लगाए। क्योंकि जब भी मैं लगाती हूँ, ढेर सारे लगभग 50-55 प्लांट मेरे गार्डन में रहते थे, जब उनमें फूल आता था तभी बारिश हो जाती थी विंटर की, तो पूरे फूल एक साथ ख़त्म हो जाते थे, तो बहुत मतलब तकलीफ होती थी। इतनी मेहनत, पूरे साल मतलब मेहनत करते हैं हम इसको तैयार करने में, तो इसीलिए। तो देखिए ये भी खिलने वाला है मेरा प्लांट, तो यहाँ पे मैं छोटा सा पॉलीथीन एक ला करके कवर कर दूँगी, ये देखिए इस तरह से, और कुछ कर नहीं सकते, और क्योंकि बाकी ऑप्शन नहीं है इसके फूलों में पानी ताकि ना पड़े। ये देखिए फटा हुआ ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फूल कवर हो जाएंगे ना तो सही रहेगा, नहीं तो इसके भी फूल जो खिलने लगे हैं वो ख़राब हो जाएंगे सारे। तो ये बन भी नहीं रहा, देखिए अच्छे से पॉलीथीन ले करके भी आप कवर कर सकते हैं बारिश होने से पहले। वैसे रात भर इनमें पानी पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, और इधर देखिए ये सारे फूल भी अब गिर जाएंगे। ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है इनमें भी, ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। और इधर डहेलिया अच्छे चल रहे हैं, अडेनियम के सीड पॉट के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें भी आप पॉलीथीन कवर कर सकते हैं ऊपर से। इतना बड़ा प्लांट को तो मैं कहीं रख भी नहीं सकती, तो मैं ले करके आती हूँ। तो ये देखिए अडेनियम की सीडलिंग, रात को तो नहीं ढकी लेकिन अभी चलिए ढक देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा पानी जाएगा ना तो ये भी गल करके ख़राब हो जाएंगे। बाकी इधर के प्लांट मेरे ओपन है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉलीथीन भी नहीं है मेरे पास कवर करने के लिए, और वही दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो ये देखिए थोड़ा बड़ा सा पॉलीथीन लेकर आई हूँ, और पूरे प्लांट को मैं यहाँ पर कवर करूँगी जितना हो जाएगा। वैसे हवाएँ चल रही हैं ना तो कुछ खास फ़ायदा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं, जितना कवर हो जाएंगे ना प्लांट उतना तो कवर कर ही देते हैं ऐसे में। लेकिन दिक्कत ये होती है जब हवाएं चलती है ना तो प्लांट और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और मुझे खास कर सीड पॉट को ही कवर करना है ताकि ये ख़राब ना हो। ये कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसा अरेंज करना पड़ेगा ना कि कवर हो जाए। काफ़ी तेज़ हो गई और मैं भी जा रही हूँ, ठंड भी बहुत तेज़ है इस समय। तो आप भी अपने विंटर प्लांट को तो छोड़िए, अडेनियम को बचाइए, बाकी आप क्रिसेंथियम को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। बाकी का तो यही है कि प्लांट कुछ कर नहीं सकते, अगर रखना चाहे तो आप छाया में रख सकते हैं, जैसे बिगोनिया हो गए, कलांचो हो गए, इनको थोड़ा सा बारिश से बचाना चाहिए। और देखिए फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली थी कलांचो में, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, रात भर से पानी में भीगे हुए हैं, तो मेरा विंटर गार्डन पूरा शुरू होने से पहले ही लगता है ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमारे बस में नहीं है, प्रकृति के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस फ्रेंड्स, तो ये देखिए अडेनियम के लिए मैंने थोड़ा सा पॉलीथीन यहाँ पे कवर कर ली है, तो कुछ पीछे सकुलेंट मेरे अभी रखे हैं जिनको उनको भी उठाना है, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे बारिश के पानी से, क्योंकि रात भर से वो भीग रहे हैं। और इधर अडेनियम मेरे सेव हो गए हैं थोड़े से, जो इस साइड वाले हैं, पीछे वाले जो बड़े वाले अडेनियम हैं उन सब में पानी बहुत अच्छे से रात भर मिला है, और अभी भी पानी बारिश पड़ रही है उधर। तो अडेनियम को सेव करने के लिए आप चारों तरफ से कहीं से भी जगह हो तो आप पॉलीथीन ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा ना तो फिर प्लांट ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, नहीं तो फिर वही है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। बस थोड़े से प्रिकॉशंस है जो हम कर सकते हैं, तो बारिश से बचाने के लिए प्लांट को आप इस तरह से थोड़ा सा सेव कर सकते हैं।